तो चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन ऐसे कौन से खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण की लड़ाई लड़ी गई थी पालखेड की लड़ाई औरंगाबाद शहर के पास स्थित पालखेड गांव में लड़ी गई थी ये लड़ाई लड़ी गई थी मराठा एम्पायर के पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क असफजा प्रथम के बीच तो इस लड़ाई का नतीजा क्या था इस लड़ाई में निजाम को मराठा पेशवा से हार मिली इस बैटल के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो द सीड्स ऑफ दिस बैटल गो टू द ईयर 1713 व्हेन द मराठा किंग साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज पेशवा और प्राइम मिनिस्टर एक दशक के अंदर बालाजी विश्वनाथ ने फ्रेगमेंटेड मुगल एम्पायर से क्षेत्र और धन के एक महत्वपूर्ण राशि निकाली 1724 में मुगल नियंत्रण समाप्त हो गया और हैदराबाद के पहले निजाम असफजा प्रथम ने खुद को मुगल शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया और हैदराबाद डेकिन के नाम से जाने जाने वाले अपने किंगडम को स्थापित कर दिया निजाम ने मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करके अपने प्रोविंस को मजबूत करना शुरू कर दिया था उन्होंने कोल्हापुर के साहू और सांबाजी द्वितीय दोनों द्वारा एम्पायर के टाइटल के दावे के कारण मराठा साम्राज्य में बढ़ते पोलराइजेशन का फायदा उठाने का प्रयास किया द निजाम बिगे सपोर्टिंग दाम्बाजी सेकेंड फैक्शन इसके वजह से साहू जिन्हें मराठा साम्राज्य का राजा घोषित किया गया था वो क्रोधित हो गए Bajirao's ऑफ from आर्मी फ्रॉम द of ऑफ मराठा the द बैटल प्लान set. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत As a result, the Nizam signed a peace treaty on the 6th of March 1728 at the village of Munji Petan. So, what were the terms of this treaty? By the treaty of Munji Shivgaon, the Nizam was forced to make certain concessions. Number one, Chhatrapati Shahu was recognized as the sole Maratha ruler. Number two, the Marathas were given the right to collect Chauth and Sardeshmuki of the Deccan. उथ इंडिया पर बाई मराठा एम्पायर ड्यूरिंग मिडीवल टाइम्स दीज टू टैक्सेस बिकेम इम्पॉर्टेंट सोर्सिस ऑफ रेवेन्यू फॉर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन दीज वार दोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ये ट्रीटी ऑफ मुंजी शिवगाव के सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स थे इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही जानना है आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1913 इंडियन राइटर पोएट एंड लिरिसिस्ट पंडित नरेंद्र शर्मा वॉज बॉर्न भारतीय लेखक कवि और गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 28 फरवरी 1913 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर में

फॉर song द टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम शर्मा than फॉर मोर देन worked with almost विद मेजर म्यूजिक directors एंड singers. इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है कहानी कहते कहते पनिहारिन रत्वा स्वागतम इनके द्वारा लिखे हुए पोएम्स है अब देखते हैं आज का अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है 1928 रामन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड रामन प्रभाव की खोज की गई सर चंद्रशेखर वेंकट रामन वाज असिस्टेड बाय के एस कृष्णन इन द डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट ऑफ मॉलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉपुलरली नोन एज द रामन इफेक्ट रामन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है रामन इफेक्ट इज द इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटो बाई मैटर दिस फिन दट इज द रामन इफेक्ट एक्सप्लेन हाउ द वेव लेंथ ऑफ द स्कैटर इंसिडेंट रेस ये फिन ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे बिखरी हुई किरणों के वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट से अलग है इसके लिए इन्हें साल उन्नीस सौ तीस में फिजिक्स या भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था

फैक्ट भी याद रखिएगा कि इनको भारत रत्न और लेनिन पीस प्राइस से भी सम्मानित किया गया है इसी से जुड़ी और एक इवेंट डिस्कस करते हैं वो है नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द ट्वेंटी ईच ईयर हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है

It is celebrated to display all the activities, efforts and achievements in the field of science for human welfare. It is celebrated to discuss all the issues and implement new technologies for the development in the field of science. It is celebrated to encourage the people as well as to popularize science and technology. 1986 में National Council for Science and Technology Communication ने गवर्नमेंट के सामने हर साल 28 फरवरी को नेशनल 1987 में पहला नेशनल साइंस डे मनाया गया था दिस इवेंट इज नाउ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया इन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एंड अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस अकेशन पर यानी कि 1987 में जो पहली बार नेशनल साइंस डे मनाया गया था तब एन नेशनल साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड्स की घोषणा की फॉर रेक आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन द एरिया ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन हर साल नेशनल साइंस डे का एक यूनिक थीम या विषय तय किया जाता है फॉर एग्जाम्पल साल 2020 में थीम था वीमेन इन साइंस वैसे ही साल 2021 में थीम है एस टी आई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पास अवे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न इन बिहार ऑन द दर्ड ऑफ डिसम्बर

देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसाद के शामिल होने की शुरुआत उनके स्टूडेंट्स डेज के दौरान ही हुई जब उन्होंने 1906 में एक स्वयंसेवक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में भाग लिया था ही ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1911। डॉ राजेंद्र प्रसाद बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1934 एट द बॉम्बे सेशन

रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाइनटीन सिक्सटी टू फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेट नाइन सिक्स भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और नाइनटीन सिक्सटी थ्री में पाटना में इनकी मृत्यु हो गई सम ऑफ द फेमस बुक्स रिटन बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर सत्याग्रह अटचंपारण आत्मकथा डिविजन ऑफ इंडिया एंड सिंस इंडिपेंडेंस चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न ये सारे क्वेश्चंस आज ही के डिस्कशन पर आधारित है अपने कॉन्फिडेंस करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर्स लिखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन पालखेड ध्यान से सुनिएगा पालखेड की लड़ाई में कौन हार गया ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव वन यानी कि पेशवा बाजीराव प्रथम ऑप्शन बी असब झा प्रथम ऑप्शन सी छत्रपति साहू या ऑप्शन डी नासिर जंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू। नेशनल साइंस डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहले किस वर्ष में मनाया गया था ऑप्शन ए 1928 ऑप्शन बी 1930 ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1987 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2021 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है ऑप्शन ए फ्यूचर ऑफ एसटीआई इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क एस का भविष्य शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव ऑप्शन बी विमेन इन साइंस यानी कि विज्ञान में महिला ऑप्शन सी साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस यानी कि लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग या ऑप्शन डी साइंस फॉर नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्रीय निर्माण के लिए विज्ञान प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर WHO WAS THE FIRST ASIAN PERSON TO RECEIVE A NOBEL PRIZE IN ANY BRANCH OF SCIENCE? विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला एशियाई व्यक्ति कौन था ऑप्शन ए वेंकी रामाकृष्णन ऑप्शन बी सी वी रामन ऑप्शन सी के एस कृष्णन या ऑप्शन डी हिटेकी युकावा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फाइव who was the president of the Indian National Congress Bombay session in 1934. 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद मैं उम्मीद करती हूँ आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक this session, इस वीडियो को लाइक करे और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करे कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग